केंद्र की मोदी सरकार में एक मंत्री पद का ऑफर ठुकराने के बाद बिहार के सीएम और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने भी अपने कैबिनेट का विस्तार किया। इस विस्तार में 8 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, लेकिन खास बात यह है कि ये सभी के सभी मंत्री जेडीयू कोटे से बनाए गए हैं। हालांकि इस विस्तार के लिए नीतीश ने बीजेपी को एक मंत्री पद का ऑफर दिया था, जिससे बीजेपी ने इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कैबिनेट विस्तार कर नीतीश ने ले लिया बीजेपी से बदला। नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार कर बीजेपी को दिया बड़ा संदेश। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्वीट में ये माना है कि जेडीयू ने बीजेपी को एक मंत्री पद का ऑफर दिया था। अपने ट्वीट में सुशील मोदी ने लिखा है, नीतीश कुमार ने बीजेपी को एक मंत्री बनाए जाने का ऑफर दिया था, लेकिन बीजेपी ने इसे भविष्य में भरने का फैसला किया है। सियासी जानकारों की माने तो नीतीश कुमार ने बीजेपी को एक मंत्री पद का ऑफर देकर एक के बदले एक प्रस्ताव के जरिए बीजेपी से बदला लिया है। इतना ही नहीं, नीतीश के इस कदम के बाद बीजेपी और जेडीयू की राहें अलग होने के भी कयास लगाए जाने लगे। हालांकि नीतीश कुमार ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है। जानकार भी फिलहाल ऐसा होता नहीं देख रहे हैं। जानकारों की माने तो जेडीयू बीजेपी के फिर से अलग होने की संभावना नहीं है और इसकी वजह विधानसभा चुनाव है। प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। साल 2015 के चुनाव में जेडीयू बीजेपी को आरजेडी के हाथों अपनी कई सीटें गंवानी पड़ी थी। आरजेडी पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। इसके अलावा 5 राज्यसभा सांसद रिटायर होने जा रहे हैं, इसमें 3 जेडीयू और 2 बीजेपी से हैं। इन सीटों के लिए अगले साल चुनाव होना है। चूँकि राज्यसभा में बीजेपी और एनडीए को बहुमत नहीं है, ऐसे में एक ऐसा राज्य जहाँ से 16 राज्यसभा सांसद चुनकर जाते हैं, बीजेपी जेडीयू का साथ रहना राजनीतिक रूप से दोनों दलों के लिए जरूरी है। उधर खबर ये भी है कि मोदी मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद स्वीकार नहीं करने के बाद जेडीयू की नाराजगी बनी हुई है। अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए नीतीश साफ कर चुके हैं कि ये उनकी पार्टी का अंतिम फैसला है कि वो केंद्र में एनडीए सरकार में शामिल नहीं होगी। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, ऐसे में नीतीश ने एक के बदले एक के जरिए बीजेपी से अपना बदला ले लिया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।